साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका स्वागत है। आइए हिंदी लिखने का अभ्यास करें। अभ्यास करने से कठिन विद्या भी सरल हो जाती है। तो आइए हम लोग हिंदी लिखते हैं, और हमारा प्रयास यह रहता है कि जब भी हम हिंदी लिखें या पढ़ें तो कुछ ऐसा लिखें पढ़ें ताकि हम लोगों का ज्ञान भी बढ़ता रहे। तो आज इस वीडियो में हम हिंदी के वो शब्द लिखेंगे जो अक्सर हम लिखते समय उनमें गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पर हम उनका शुद्ध रूप लिखेंगे और यहाँ पर उनका अशुद्ध रूप लिखेंगे कि अक्सर क्या गलतियां होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं आगामी। आगामी, बड़ा आ, गा, गा में बड़े आ की मात्रा, और माँ, माँ में बड़ी ई की मात्रा। तो आगामी का शुद्ध रूप हो गया, ठीक है। अब अक्सर क्या गलती कर देते हैं हम लोग, लिख देते हैं आगामी, छोटा आ, गा, गा में बड़े आ की मात्रा, माँ, माँ में बड़ी की मात्रा, ये आगामी, ये गलत रूप है। ये सही है, यहाँ पे बड़ा आ लिखा जाएगा ना कि छोटा आ, ठीक। अगला शब्द हमारा है आजमाइश। बड़ा आ और जा खाली, माँ, माँ में बड़े आ की मात्रा, छोटी ई और शा, आजमाइश, ठीक है। इसमें भी हम वही गलती करते हैं, हम लिखते हैं अजमाइश, छोटा आ लिख देते हैं, ये हो जाता है अजमाइश, अजमाइश, ठीक है। तो ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है, ये आजमाइश सही है। अगला शब्द हम लेते हैं आहार। बड़ा आ, हा में बड़े आ की मात्रा और रा खाली, आहार। और इसे आप गलत किस तरह लिख देते हैं? लिख देते हैं छोटा आ, हा में बड़े आ की मात्रा, रा खाली, आहार। आहार गलत है, आहार सही है, यानी आहार माने भोजन। अगला शब्द हमारा है आशीर्वाद। बड़ा आ, शा, शा में बड़ी की मात्रा, और वा, बा में बड़े आ की मात्रा, और ऊपर रा लगाएंगे और दा खाली, ये हो गया आशीर्वाद, ठीक है। आशीर्वाद में ध्यान रखना, ये वा ही लिखना है, बा नहीं लिखना है। अच्छा, आशीर्वाद में भी हम वही गलती करते हैं, लिख देते हैं आशीर्वाद, छोटा आ और शी, वाह, वहाँ में बड़े आ की मात्रा, रा और दा खाली, आशीर्वाद, ये गलती कर देते हैं, ये गलत है और ये सही, आशीर्वाद, ठीक। अगला शब्द हमारा है आवश्यकता। आवश्यकता, बड़ा आ और वाह, ये वाह ही लिखेंगे, बा नहीं लिखेंगे, वाह, और आधा शा और या और का, ता, ता में बड़े आ की मात्रा, ये हो गया आवश्यकता, ये इसका शुद्ध रूप है। अब गलती क्या करते हैं अक्सर हम लोग, लिख देखते हैं आवश्यकता, छोटा आ, वाह, आधा शा या का और ता, ता में बड़े आ की मात्रा, आवश्यकता, ये गलत हो जाता है। ऐसे ही अगला शब्द हमारा है आकाश। बड़ा आ, अक्का, का में बड़े आ की मात्रा और शा खाली, ये हो गया आकाश, सही है। और हम लोग जल्दबाजी में लिख देते हैं आकाश, आकाश, जबकि ये गलत है, ये आकाश ठीक है। अगला शब्द हमारा है अंत्याक्षरी, ठीक है। अंत्याक्षरी लिखते हैं हम, छोटा आ, आधा ना, आधा ता, या में बड़े आ की मात्रा, और छा और रा, ये छतरी वाले छा से कहते हैं, ठीक है। अंत्याक्षरी, ये छतरी वाला छा कहते हैं इसको, तो इस तरह से लिखा जाएगा अंत्याक्षरी, ठीक है।
ये सही है। अच्छा अभी रा में बड़ी की मात्रा लिखना बाकी है, अभी अंत्याक्षरी हो गया, ये सही है। अब गलती क्या करते हैं अक्सर हम, छोटा आ आधा ना त्या ता और या और छा और रा में बड़ी की मात्रा, अंत्याक्षरी लिख देते हैं, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाता है गलत, ये अंत्याक्षरी हो गया, ये अंत्याक्षरी हो गया। ठीक है, अंत्याक्षरी का मतलब अंत में अक्षर वाली। ठीक है, अच्छा अगला शब्द हमारा है नारायण। नारायण, ना ना में बड़े आ की मात्रा ना, रा में बड़े आ की मात्रा रा, या और अड़ा, नारायण ये शुद्ध है। अशुद्ध कैसे होता है, जल्दी में लोग लिख देते हैं नारायण, क्या हो गया ये नारायण, ये गलत है, ये ना में बड़े आ की मात्रा नहीं लगाते हैं जल्दीबाजी में या भूल से, ये हो जाता है गलत, ये नारायण गलत है, ये नारायण सही है। अगला शब्द हमारा है भागीरथी। भागीरथी, भा भा में बड़े की मात्रा, रा में गा, सॉरी गा और गा में बड़ी ई की मात्रा, रा खाली, था में बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया भागीरथी। अब गलती क्या करते हैं, भा में मात्रा लगाते ही नहीं है और लिख देते हैं भगीरथी। ठीक है, तो ये क्या है, ये भगीरथी गलत है, ये भागीरथी ठीक है। सही, अगला शब्द है हमारा है मतांतर। मतांतर, अब मा ता ता में बड़े आ की मात्रा, मता आधा ना और ता खाली रा खाली, मतांतर। ठीक है, अब यहाँ भी हम वही गलती करते हैं, क्या लिख देते हैं मतंतर, मतंतर जो कि ये गलत है, मतंतर यहाँ पे बड़े आ की मात्रा हम नहीं लिखते हैं, तब हो जाती है हमसे गलती, हो जाता है गलत, और यह है मतांतर सही। ठीक, अगला शब्द हमारा है चहार दीवारी। चहार दीवारी, चा और हा, हा में बड़े आ की मात्रा और रा खाली और दा, दा में बड़ी ई की मात्रा, वा, वा में बड़े आ की मात्रा, रा में बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया चहार दीवारी। अब गलती क्या करते हैं, हम लिख देते हैं जल्दी में चहेर दीवारी, तो ये हो जाता है गलत। ठीक है, हाँ मैं बड़े आ की मात्रा नहीं लिख देते हैं, नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाता है गलत। तो एक शब्द और लिख देते हैं, अगला शब्द हमारा है जा माता। जा, जा में बड़े आ की मात्रा जा, फिर माँ, माँ में बड़े आ की मात्रा माँ, ता में बड़े आ की मात्रा ता, जा माता, ये ठीक है। अब गलती क्या कर देते हैं, लिख देते हैं हम लोग जमाता, जमाता ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, अब ये तो कहना ठीक नहीं होगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक कर दीजिए, क्योंकि अच्छे और ना अच्छे का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं, यहाँ कोई गाना नहीं सुन रहे हैं, ना कोई मनोरंजन का वीडियो है जो कि ये पूछा जाए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा अच्छा, तो इसमें अच्छा ना अच्छा कोई सवाल ही नहीं है, जो क्योंकि हम सीख रहे हैं तो अच्छा ही है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आने वाली वीडियो में जब हम हिंदी लिखना सीखेंगे तो इसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिससे हमको हिंदी का ज्ञान भी होता रहे और शब्दों को लिखने का तो अभ्यास होता ही रहेगा साथ साथ में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मिलते हैं हमारे अगले अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।